कितनी सुंदर जगह है ना। और हम अक्सर हमारी खुशियों को ढूंढते हैं उन चार दीवारों के अंदर। हम हमारी सारी कमाई लगाकर लोन लेकर एक घर खरीदते हैं, फिर एक के बाद दूसरा घर, दूसरे के बाद तीसरा घर, और ये भूल जाते हैं कि उसी घर की खिड़की के बाहर जिंदगी एग्जिस्ट करती है। मुंशियारी 48 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 81, थल 24 और बेरीनाग 53। तो हमें जाना है मुंशियारी की तरफ, जो ये रास्ता कट रहा है। मुंशियारी पहुंच चुका हूं। रास्ता बहुत सुंदर था। यह है KMVN का गेस्ट हाउस। यहां पर हमको जगह मिल गई है रुकने के लिए और 300 रुपये पर हेड हमें यहां पर देने होंगे। तो मैं थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकला था और अचानक से सारी जगह बहुत सारे बादल आ गए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो अभी मैं पूरी तरह से बादलों के बीच में हूँ। और मैं मुंशियारी क्यों आया हूँ, इसके पीछे एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है, कुछ वजह है जिसका जिक्र मैंने इस उत्तराखंड सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में भी किया था, पर उस वक्त वो वजह नहीं बताई थी। तो करीब 10 साल पहले मैं और मेरी वाइफ यहाँ उत्तराखंड में यहाँ की लोकल बस से ट्रैवल कर रहे थे और उसी सफ़र के दौरान हमें एक फादर सन मिले थे। उन अंकल की एज उस वक्त 78 साल थी, गुड लुकिंग, टॉल, 6 फीट 2 इंच हाइट, और कोट पैंट पहनकर उस बस की विंडो सीट पर बैठे हुए थे। और उन दोनों का साल में एक मंथ कुछ ऐसा फिक्स था जिसमें उनका बेटा US से इंडिया आता था अपने पिता के साथ समय गुजारने के लिए, और वो दोनों किसी भी ऑफ बीट प्लेस पर कुछ भी लोकल ट्रांसपोर्ट की बस करके जाते थे और एक दूसरे के साथ समय गुजारते थे। ये कितना प्यारा रिलेशनशिप, कितनी स्वीट बॉन्डिंग है ना फादर सन की। एक बेटे का अपने US के बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर इंडिया में आना अपने पिता की खातिर। तो उस बस जर्नी के दौरान उन अंकल ने हमसे कहा था कि बेटा कभी अगर मौका मिले ना तो मुंशियारी और बिनसर ज़रूर होके आना। हमारे इतने सालों के ट्रैवल में जो जगह हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई, जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी, वो एक थी मुंशियारी और दूसरी थी बिनसर, और दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह है। बस उनकी ये बात पिछले 10 सालों से मेरे जहन में बस गई कि मुझे एक बार मुंशियारी और बिनसर ज़रूर जाना है। इसके पहले मौका नहीं मिला, पर इस बार मैं मुंशियारी आया हूँ और यहाँ आकर ये एक ट्रिब्यूट है उन अंकल को, उस फादर सन रिलेशनशिप को।
अगर आपको भी समय मिलता है तो अपने पिता को लेकर ऐसी किसी भी ट्रिप पे जाइए, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिल पाता है और समय बहुत जल्दी निकल जाता है। बाद में जो हमारे पास बचता है वो होता है सिर्फ रिग्रेट कि ये मौका मेरे पास हमेशा से था, मैं ऐसा कर भी सकता था पर अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को समय दीजिए और उनको लेके ऐसी किसी भी एक ट्रिप पे निकलिए, आपको अच्छा लगेगा। ऋषिकेश या कहीं ना कहीं जल्दी मिलेंगे। हरिद्वार या ऋषिकेश संभाल के चाहिए। ठीक है ब्रदर, आप लोग भी सेफली चलाना। तो मैं जा रहा हूँ अभी खलिया टॉप पर। ये मुनस्यारी से पहले आपको 7 किलोमीटर आना पड़ता है खलिया द्वार पर, और फिर यहाँ से ट्रैक शुरू होता है 8 किलोमीटर का खलिया टॉप के लिए। यहाँ के लोगों ने बताया, लोकल्स ने, कि एक सुंदर ट्रैक है, आपको कुछ अच्छे नज़ारे दिखेंगे ऊपर जाने के बाद, कुछ अच्छा दिखेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा पार्किंग जैसा नज़र नहीं आ रहा है, तो रास्ते पर ही मुझे गाड़ी लगा के जानी पड़ेगी। एक कार खड़ी है यहाँ पर पहले से, पता नहीं कब की है, पर मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा हूँ और यहाँ से ट्रैक शुरू कर रहा हूँ खलिया टॉप के लिए। इस प्रकृति से बड़ा आर्ट फॉर्म पूरी सृष्टि में नहीं हो सकता। कितनी कमाल की डिटेलिंग है ना। जिसने भी इस प्रकृति को बनाया होगा, उसकी जो भी सोच होगी, जो भी इमेजिनेशन होगा, वो हम इंसानों से बहुत बड़ा है। हम जितना ज़्यादा इस प्रकृति को देखते रहेंगे, जितना ज़्यादा इसकी आवाज़ों को सुनते रहेंगे, ये एक इन्फिनिटी तक हमें सुकून से भरती रहेगी। काफ़ी बादल आ गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। जगह इतनी सुंदर है कि आपकी थकान कम हो जाती है ये सारे व्यूज़ देखते ही। ये देखिए सब बादलों में है।
बादल, पहाड़, हरी घास, नदियाँ, झरने, इन पंछियों की आवाज़ें। अगर कहीं पर भी स्वर्ग होगा तो इससे बहुत अलग नहीं होगा। कुदरत की जितनी भी अनमोल देन है वो हमें खुशी देने का हमसे कोई मोल नहीं लेती है। ये कुदरत कुछ जादू सा कर जाती है। यहाँ से कितना दूर है? और चलते रहो, पूरा मैदान मिलेगा, कोई टाइम का पता नहीं। और तो खालिया टॉप कौन सा है? खालिया टॉप ऊपर है, बकरी के लिए। आपकी बकरी है ऊपर? आदमी का है, हमें चाहिए था, खरीदने के लिए गए थे। अच्छा, खरीदने के लिए गए थे, ऊपर चरवाए है? हाँ। अच्छा, कितने चरवाए होंगे वहाँ? तो हजारों बकरियाँ हैं। अच्छा, 10-12 तो आदमी है। ओह, तो घास के लिए आते होंगे वो सब? इनको हरी घास अच्छी मिल रही है ना यहाँ पे? अरे वाह, प्रोटीन। तो नहीं दी उन्होंने बकरी? बकरी दिया है, अब वो अभी चले गए हैं वो चुगने के लिए। अच्छा, शाम को जाके लाने। तो कितने में दी? 5,000। 5,000 में? तो बकरी पालेंगे आप? हाँ, इसीलिए पालने के लिए ले रहे हैं ना, खाने के लिए तो नहीं ले रहे। पता नहीं, शायद इसी जगह को खलिया टॉप बोलते हैं। काफ़ी सारे त्रिशूल लगे हुए हैं, घंटी लगी है। मुझे लगता है यहाँ पर चरवाहे पूजा करते होंगे, या यहाँ के कुछ जो लोकल लोग हैं वो पूजा करते होंगे। बादल देखिए, टाइम लैप्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत तेज़ आ रहे हैं। वो देखिए सामने झोपड़ियाँ हैं, ये चरवाहों की झोपड़ी होंगी। और पानी की भी आवाज़ है यहाँ पर, तो कोई ना कोई तो वहाँ पर रहता ही होगा। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके साथ में एक रुकने का अलग एक्सपीरियंस है। अगर नहीं रुक पाया उनके साथ में तो यहाँ पर कहीं भी अपना टेंट लगा लूँगा। यहाँ पर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बाज हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, ये सारी बकरियाँ आपकी है? दो लोग हैं? अच्छा। और अरे, अच्छी जगह रह रहे हैं, बहुत अच्छी स्वर्ग में रह रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? खाना खाया ना आप? क्या बनाया खाने में? चावल बनाया। चावल और दाल? मीट था। किसके साथ? मीट था। हाँ। अच्छा, अरे शेर खा गया बकरी? तो अच्छा, सब उन लोगों ने दिया छोटा छोटा। यहाँ पे है क्या शेर? ऊपर है। ऊपर है शेर? ऊपर, नीचे ही है, घूमता है रात में। हाँ, इधर आता है आपके इधर? हाँ आता है। अरे, इधर से चलो, इधर से क्रॉस करके। बारिश तो गिरती रहती होगी यहाँ पर? बारिश डेली गिरती है। डेली गिरती है? डेली। यहाँ ये बकरियाँ दिखी हैं। अच्छा, ये रास्ते में जो बकरियाँ दिख रही हैं। हाँ हाँ हाँ। इससे ऊपर वाला ये टॉप, ये वाला टॉप ठहरा, खलिया टॉप। अच्छा, वहाँ पे भी लोग रुके हुए हैं ना? वहाँ पे आदमी है, अभी यहाँ ही थे वो, आज ऊपर ऊपर गए हैं वो। यहाँ से ऊपर ऊपर को जाओगे तो बकरियाँ मिलेंगे आपको। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिरती फॉल। बिरती फॉल तो मैं रुका था, अच्छी जगह है। उसी गाँव में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पे गांव भी है? हाँ। फॉल तो बहुत बड़ा है वो। फॉल बहुत बड़ा है। और आपकी कितनी बकरियाँ हैं? मेरे हैं 50-60, 63 टाइप। अच्छा, 63 के लगभग। हाँ। बाकी दूसरों के लेके आते हैं? हाँ, दूसरों के भी लेके आते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के कितनी बकरी लाया? मैं वैसे 100 तक मैं लेके आया हूँ।
अच्छा। और फालतू नहीं लेके आया, पहले तो ज्यादा लाता था, इस साल नहीं लेके आया। अच्छा, पहले कितने लाते थे? 200-300 बकरी। तो अब जिनकी बकरियां लेके आते हैं वो लोग कुछ पैसे देते हैं आपको या फिर बकरियां देते हैं खाली संभालने के लिए? नहीं नहीं, पैसे देते हैं। पैसे कितना होता है बकरी का? 2-4 रुपया 3 रुपया 3 रुपए एक बकरी का एक दिन का? 300 जैसे 5-6 महीने चुका दिया हमने। हाँ, उसका पूरा ही हुआ 300 रुपए के हिसाब से एक का। एक बकरी का 300 रुपए 300-400 इस टाइप का। 300 तो 100 बकरी है। हाँ, तो 30,000 रुपये 30,000 रुपये। अच्छा, और उनके भी अच्छा है, बकरियों के बीच में कुछ बछड़े भी होते होंगे? हाँ, बछड़े भी होते हैं। कभी ऐसा होता कि जितनी लेके आए उससे ज्यादा देखे गए? हाँ, क्यों नहीं होता, वही होता। हमेशा यहाँ ईमानदारी है सबसे। हाँ, ईमानदारी भी हमारी, वही एक दूसरा भी। मैं पहाड़ों में ही देखी इतनी ईमानदारी आप लोगों की। ईमानदारी बहुत है। हाँ, मरते भी हैं। मरते भी है, कभी कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मर जाते हैं। हाँ, आपके वो बता रहे थे कि कोई आज शेर उठा के ले गया था एक बकरी को। हाँ, शेर सुबह कल रात, ये इधर बैठे थे, ये जो भी जा रहे हैं ये बाहर थे ना ये। हाँ, हमारे तो ये छप्पर के अंदर हुए। तो दो शेर आए थे? शेर तो बहुत ही हुए यहाँ, शेर भालू वाली, ये तो बहुत ही जानवर तो बहुत ही जाते। अच्छा, ये तो जंगली जगह। हाँ, यहाँ पे मैं देखा वो सामने तो बहुत सारे बाज है। अरे वो बाज ही है ना, बहुत बड़ा। हाँ हाँ, वो जो बड़ा सा, वो बहुत सारे बैठे थे पानी के पास। हाँ हाँ हाँ, चील है, चील है, चील, चील है। इतने बड़े साइज की तो मैं देखी नहीं कभी। यहाँ तो बड़े साइज की होती है। आपने देखा कभी भालू या शेर? क्यों नहीं देखा। अच्छा, देख ही रहते हैं, देखते रहते हैं हम यहाँ। फिर क्या करते हैं, ये कमरे में बचते हैं? नहीं नहीं, देखा है, भगाया इधर उधर क्या। आप हम आदि हुए ना, भालू भी देखा आपने? क्यों नहीं देखा। आप पे अटैक किया कभी? क्या उसे 2-3 समय किया अटैक किया था। अच्छा, अब डरने वाले नहीं रहे। हाँ, अब आदत हो गई। आदत हो गई, उससे पंगा ले सकते हैं। अरे अरे वाह, अब तो अच्छा, शेर भालू प्रकृति सब ऐसी जगह पे रह। अकेले हो या कोई और है? नहीं, अकेला। अकेले? हाँ। आपका रहने वाले? मैं मुंबई का रहने वाला। मुंबई? हाँ। वाह, बहुत अच्छा हुक्का बनाया, हाथ से बनाया हुआ है पूरा। हाँ, वैसे वहाँ से बनाया है। इसमें भी नीचे पानी डालते क्या? हाँ, पानी डालते। हाँ, क्योंकि आजकल तो बाजारों में आए हैं बहुत सारे हुक्के, नए नए लोग पी भी रहे हैं। वैसे हिमाचल में देखा मैंने लकड़ बाजार में, ये मतलब लकड़ी का चिलम ठहरा, लकड़ी का वो का ठहरा। अच्छा, नाम ही वो बाजार का लकड़ बाजार है। हाँ हाँ, छोटा छोटा कटोरा भी मिलता है लकड़ का। अच्छा। हाँ, इतना इतना बड़ा भी मिलता है। जैसे मठा घुमाते हैं। हाँ, वे भी मिलता है वहाँ। कहाँ पर है लक्कड़ बाजार? लक्कड़ बाजार हिमाचल में। हिमाचल में? अच्छा, हिमाचल। ये कोयला, कोयला रखा है ऊपर? हाँ, कोयला रखा है। तो कोयले से लकड़ी जलती नहीं है? ये लकड़ी तो, ये तो मिट्टी ठहरा। अच्छा, मिट्टी का है? मिट्टी का है, ये नीचे ठहरा लकड़ी तो ऐसा ठहरा नहीं, ये कहाँ जलेगा। फिर नीचे पानी ठहरा। हाँ, पानी गर्म अंदर से किया? नहीं, ठंडा ही पानी डालना ठहरा, नहीं तो ये गर्म होके फिल्टर हो गया आता है नया। अच्छा। हाँ, पानी में फिल्टर, पानी ठंडा ही डाला हुआ है नीचे? हाँ, ठंडा डाला। नहीं, रहने दीजिए, मैं चाय कम ही पीता हूँ, ऐसे पानी पीता हूँ ज़्यादा, चाय बहुत कम पीता हूँ मैं। आपने बोला वही बड़ी बात है। परसों एक मारा, कल एक मारा, कल भी आया था शेर भी, फिर ऊपर भी लगे। अब तो यहाँ शेर ही लगे, फिर बादल लगता है ना, यहाँ घना बादल लगता है। हाँ, हाँ, अभी ये कोहरा जब लगेगा तो यहाँ आप कदम, एक कदम आगे भी नहीं जा सकते, उतना घना कोहरा लगता है। कोहरा बहुत ज्यादा लगता है यहाँ, अभी आजकल मौसम हो रहा है, यहाँ का मौसम बहुत घना कोहरा हुआ, रास्ता मतलब भूल जाओगे, मतलब आज में पता नहीं चलेगा मैं यही रास्ते से ले गया हूँ। घना कोहरा रहता है क्योंकि ये हिमालय हुआ है। हाँ,
फोटो खिंचवा रहे हो, लड़ो मत। जब मैं छोटा था तो हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि इन बादलों के पीछे क्या होगा। कोई कहता था इन बादलों के बीच में परियां रहती है, तो कोई कहता था भगवान, कोई कहता था सारा स्वर्ग बादलों से घिरा हुआ है, तो कोई कहता था ये बादल एक पानी का बहुत बड़ा बुलबुला है। और आज जब मैं खुद इन बादलों के बीच में हूँ तो ये एक सपने जैसा लग रहा है। ये पूरी एक दुनिया है पंछियों की, जानवरों की, जो हमसे बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत है। मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर परियां रहती थी या भगवान, या ये वही स्वर्ग है जिसके बारे में मैं बचपन में सुना करता था। पर जो भी हो, ये जगह वैसी ही लगती है जिसकी कहानियाँ सुनकर, जो इमेजिन करके मैं बड़ा हुआ। यहाँ पर जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ। जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसे बहुत से अनजान मुसाफिर मिलते हैं जो कुछ दूरी के लिए आपके हमराही बनते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए आपके साथ में रह जाते हैं। मैं एक बार वापस से शुक्रिया अदा करता हूँ उन अंकल का जिन्होंने मुझे ये जगह रिकमेंड की। उनकी एज आज 88 साल होगी और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आज भी उनका बेटा US से इंडिया आता होगा और आज भी वो ऐसी ही किसी भी ऑफबीट प्लेस पर एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे हों। तो मुंशियारी के इस ब्लॉग को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है और इसके दूसरे भाग में आप देखेंगे इन शेपर्ड्स के इनसाइड वर्ल्ड को, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। नमस्ते अम्मा, आपके बारे में बताया उन्होंने। 90 साल उम्र हो गई। अरे वाह। और यहाँ पे रहते हो अकेले जानवरों के साथ? वो सामने नजर आ रहा है, वो शायद शेर ही है।